नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको पोको F4 5G का 100% बैटरी का फुल चार्ज सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा। पहली मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी घड़ी में बजा है 5:23। जब यहाँ पर 25 होगा तो मैं इसका चार्जिंग शुरू कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो फोन अभी स्टार्ट नहीं होगा, टोटली जीरो मतलब टोटली डेड हो चुका है, इसमें कोई भी बैटरी बाकी नहीं है। और इसके 67 वाट के चार्जर की मदद से अभी मैं इसे चार्ज देना शुरू करूंगा। 5:25 हो चुका है और इसका जो चार्जिंग वो मैंने अभी अभी शुरू किया है। तो अभी मैं आपको हर 5 मिनट बाद दिखाऊंगा कि इसका फुल चार्ज होने में कितना बाकी है। जैसे कि देख सकते हैं अभी इधर टोटली 0% चार्ज है। तो देखते हैं इसके 67 वाट के चार्जर की मदद से फुल चार्ज देने में एग्जैक्टली कितना मिनट का टाइम लगता है। दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए ये जो चार्जिंग आप देख सकते हैं शुरू हो चुका है। और इधर का टाइमिंग देख सकते 5:35 से मैंने इसका चार्जिंग शुरू कर दिया है, वही सेम 0% से चार्जिंग है। तो अभी देखते हैं कि हर 5 मिनट में हमें कितना जल्दी चार्जिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इधर एग्जैक्टली 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं इधर चार्जिंग परसेंटेज के बारे में बताऊं, देखिए एग्जैक्टली 19% हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 20%। तो मतलब जितना मुझे लग रहा है हर मिनट में आपको 4% बैटरी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 5 मिनट में कितना होता है। तो थियोरेटिकली नेक्स्ट 5 मिनट में आपका 38% के आसपास होना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं और भी 5 मिनट हो चुका है, आप जरा परसेंटेज भी देख लेते हैं। देखिए इसका परसेंटेज अभी एग्जैक्टली 32%। तो मतलब सेकेंड 5 मिनट में थोड़ा सा कम है, मतलब 10 मिनट में आपको एग्जैक्टली 32% मिलेगा। तो मतलब थियोरेटिकली 30-35 मिनट के आसपास इसमें फुल चार्ज हो जाना चाहिए। और हाँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा टेम्परेचर दिखाऊं तो देख सकते 39.8, 39.8, 39.2, नीचे बिल्कुल भी हीट नहीं, और पीछे भी देख सकते 39.7, 39.6, 39.3। तो इसका मतलब चार्जिंग के टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिलेगा 39.7 के आसपास, मतलब 40 डिग्री से ज्यादा तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। क्योंकि इससे पहले मैं पोको X3 इस्तेमाल करता था, उसमें तो चार्जिंग के टाइम टेम्परेचर था ऑलमोस्ट 44 डिग्री के आसपास। तो दोस्तों टोटल 20 मिनट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं 5:55, 35 से मैंने शुरू किया था, आप जरा देख लेते। देखिए इधर हुआ अभी एग्जैक्टली 55%। तो मतलब मैं ये चीज कह सकते कि पहले 5 मिनट में जैसे हुआ था 19%, तो थियोरेटिकली अभी हो जाना चाहिए था 76%। तो वैसा नहीं, मतलब जो आगे का जो परसेंटेज वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जितना मुझे लग रहा है 35-40 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर की बारे में बात करें, एग्जैक्टली इस जगह पे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर था, देखिए 38.2, 38.4, और अगर पीछे देखें तो 39.4, 39.3। इसका मतलब टेम्परेचर में ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी पोको के स्मार्टफोन इस्तेमाल किया था, हर एक में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इशू था। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं 6:17 मतलब ऑलमोस्ट 40-45 मिनट हो चुका है। और इधर आप देख सकते इधर भी ऑलमोस्ट 99% हो चुका है। तो मतलब 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो इसका मतलब पोको F4 5G फुल चार्ज होने में आपको एग्जैक्टली 40-45 मिनट टाइम लगेगा। और अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें, अभी तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जो स्टार्टिंग के 50% तक तभी इसमें आपको टेम्परेचर मिल रहा था, अभी इसमें टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है, टोटली नॉर्मल है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 36 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर है, मतलब टोटली नॉर्मल इसका टेम्परेचर है। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ पोको F4 5G का टोटली 100-0% तक का बैटरी ड्रेन टेस्ट। वैसे आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना।